हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ गार्नियर स्किन नेचुरल मिसेलर क्लिंजिंग वाटर या फिर मेकअप रिमूवर का। तो ये कुछ इस तरह की प्लास्टिक बॉटल में आता है जो देखने में काफ़ी क्यूट एंड अट्रैक्टिव है और ट्रेवल फ्रेंडली भी है, तो आप इसे इजिली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसका प्राइस 175 रुपीज़ है, जिसमें आपको 125 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है। तो हम इस वीडियो में इसकी क्वालिटी, इसके जितने भी क्वालिटीज़ हैं वो सभी और साथ ही साथ इसका डेमो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी या मतलब ये क्या क्लेम करता है, उसके बाद हम डेमो पे जाएंगे। तो अगर इसकी इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें ये दिया गया है कि इसमें कोई भी अल्कोहल नहीं है और इसमें ना तो कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस है। तो हाँ, इसमें कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं होती है, तो जिसकी वजह से आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें अल्कोहल नहीं है और इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। ये इसकी स्मेल कुछ भी नहीं है, बहुत माइल्ड, बहुत लाइट सी हल्की सी स्मेल आती है, बाकी कोई भी इसमें स्मेल नहीं है। और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, जिसकी वजह से ये आपके लिए सेफ हो जाता है। अगर इसके यूज़ की बात करें तो आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आप इससे अपने पूरे फेस के मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, फेस हो या फिर लिप्स हो। तो आपको बस इसे एक कॉटन पैड पर पोर करना है या लेना है, उसके बाद अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करना है। ये आपके पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करता है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो इसमें यहाँ पे दिया गया है कि ये इसकी क्वांटिटी 125 ml है, जिसमें आप 60 यूजेस कर सकते हैं, मतलब इसे 60 बार यूज कर सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मेकअप रिमूव करने के लिए इसे यूज करते हैं। मैं इसकी क्वांटिटी के बारे में या कितने दिन चलेगा इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ मेकअप करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करते हैं, तो उसे रिमूव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं मेकअप रिमूवर की नीड हो सकती है। इसमें दो वेरिएंट अवेलेबल है, एक ऑयल वाला, मैंने ये ऑयल फ्री लिया है क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो मुझे वो ऑयल वाला नहीं पसंद था। और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, और ना चाहे वो वाटरप्रूफ मेकअप हो या फिर कोई सा भी नॉर्मल मेकअप हो, ये क्लिंजर या फिर ये क्लिंजर क्लिंजिंग वाटर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं भी है तब भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी स्किन भले सेंसिटिव ना हो बट आपके मेकअप को ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि जिनकी सेंसिटिव स्किन हो वही इसे यूज़ करें। ये आपके फेस के मेकअप को रिमूव करता है, आपके फेस को क्लीन करता है और साथ ही साथ आपके फेस को सूद या स्मूथ भी बना देता है। इसे यूज़ करने के बाद मतलब ये क्लेम करता है कि इसे यूज़ करने के बाद आपको फेस को वॉश करने की कोई नीड नहीं है। तो ये तो डेमो के टाइम ही पता चलेगा कि क्या ये सही है या फिर नहीं। तो ओवरऑल इसके क्लेम जितने हैं वो सभी हम अभी डेमो पे देखते हैं, डेमो में देखते हैं कि क्या ये सभी क्लेम सही हैं या नहीं। तो चलिए, अब बात बहुत हो गई है, अब सीधे मूव ऑन करते हैं डेमो पे। मेकअप को रिमूव करने के लिए गार्नियर मिसेलर क्लिंजिंग वाटर को मैंने एक कॉटन पैड पे ले लिया है। अब इससे मैं अपने पूरे फेस को क्लीन करूंगी। यहाँ पे मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जो भी मेकअप अपने फेस पे अप्लाई किया है वो वाटरप्रूफ नहीं है। ये सभी मेकअप प्रोडक्ट वॉशेबल हैं, चाहे वो मस्कारा हो, आईलाइनर हो या फिर काजल हो, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए। अगर आपने अपने फेस पे आई शेडो, ब्लश, हाइलाइटर, फाउंडेशन, बीबी या सीसी क्रीम अप्लाई की है तो वो इसे ये मेकअप रिमूवर उसे तो अच्छे से रिमूव कर देगा, बट अगर आपने अपने फेस पे काजल, आईलाइनर, मस्कारा अप्लाई किया है तो उसे रिमूव करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट या थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैं अपने फेस पे कॉटन पैड को कितनी ज़ोर से या कितने प्रेशर के साथ रब कर रही हूँ, तब मेरा मेकअप अच्छे से रिमूव हो रहा है या फिर भी काफ़ी हद तक अच्छे से रिमूव हो रहा है। बट ये आपके मेकअप को वन स्वाइप में कभी भी रिमूव नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने सेकेंड कॉटन पैड भी यूज़ किया है जिससे मेरा मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाए, बट फिर भी मेरी आईज़ में काजल लगा हुआ है, वो अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा क्लिंजिंग वाटर है, बट अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप अप्लाई किया है तो आप ऑयल बेस्ड वाला क्लिंजिंग वाटर ले सकते हैं, वो आपके मेकअप को अच्छे से रिमूव कर देगा।
ये आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है, काफी सॉफ्ट एंड जेंटल है। इनफैक्ट अगर आप टीनएजर्स भी हैं तब भी आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट करिए, आपका मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें, जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय।